दोस्तों आज मैं हूँ फेमस बीच साइड में। ये बीच जो है कलंगुट बीच है। तो आज की वीडियो में ना गोवा के करंट सिचुएशन आपको बताने वाला हूँ। बीच साइड में आया हूँ, बीच साइड में आके करंट अभी का क्या सिचुएशन चल रहा है ये वीडियो में आपको बीच साइड के शेक के बारे में बताऊंगा। कब तक लाउड म्यूजिक रहता है, कहाँ कहाँ पे आपको बेस्ट नाइट लाइफ मिलेगा, पार्टीज कर सकते हो, और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का अभी का क्या स्टेटस है, होटल का प्राइस क्या है, अभी के टाइम पे कितना ज़्यादा धूप है, वेदर कैसा है, कहाँ पे नाइट लाइफ चल रहा है, नाइट मार्केट कैसा है, कैसीनो का क्या प्राइस चल रहा है, क्रूज़ का कैसे प्लान करोगे, सारे डिटेल में बात करने वाले हैं। और आप अगर मार्च में आ रहे हो तो कैसा सिचुएशन रहेगा, कैसे आपका प्लान होना चाहिए, डिटेल में ये वीडियो में बताने वाला हूँ। हमेशा मैं घर से आपको अपडेट शूट करके बताता हूँ। आज तो पूरा बीच साइड में, जैसे मेरे पीछे देख रहे हो वो साइड से, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उधर म्यूजिक चल रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा, तो यहाँ से आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अभी के बीच साइड शेक और वाटर स्पोर्ट्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो सारे शेक ओपन है। ये कलंगुट एरिया है, ये साइड में आपको दिखाऊं तो ये साइड का जो एरिया है ये कलंगुट टीटोस लेन और बागा साइड के एरिया है। बिल्कुल सारे एरिया में आपको अभी शेक मिलेगा, और शेक के लिए नाइट लाइफ के लिए फेमस जैसे कि आपको पता है कलंगुट बागा। यहाँ पे आपको ज़्यादा इस दौरान क्राउड दिखेगा और लाउड म्यूजिक भी इस दौरान आपको ये एरिया में ज़्यादा मिलेगा। बाकी एरिया में जाओगे तो उस साइड में लाउड म्यूजिक नहीं मिलता है। जैसे अरम्बोल साइड में जाओगे तो ये जो डीजे म्यूजिक पार्टी वगैरह नहीं रहेगा, आपको लाइव म्यूजिक मिलेगा। आप वहाँ पे अपना कैंडल लाइट डिनर वगैरह कर सकते हो। अरम्बोल और माद्रेम साइड का जो एरिया है उस साइड में ज़्यादा करके फॉरेनर्स आपको देखने को मिलेगा। कलंगुट बागा साइड में हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट रहते हैं, इंडियन टूरिस्ट रहेंगे ज़्यादा करके। जैसे कि आप मेरे पीछे ये साइड में देखोगे पूरा जो क्राउड भरे हैं ये सारे डोमेस्टिक मैक्सिमम है, फॉरेनर्स हालांकि है पर इतना ज़्यादा नहीं है। तो सारे शेक साइड में म्यूजिक ओपन है। ये जो म्यूजिक का टाइमिंग रहेगा ये 10 बजे तक रहेगा, 10 बजे तक लाउड म्यूजिक रहेगा, और उसके बाद सारे म्यूजिक यहाँ पे बीच साइड में लाउड म्यूजिक बंद हो जाता है। हालांकि आपको कैंडल लाइट डिनर का ऑप्शन मिलेगा लेट नाइट तक, 12-1 बजे तक। और बीच साइड के एक्टिविटीज़ वाटर स्पोर्ट्स सारे ओपन है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो ये जो बोट है ये स्पीड बोट है, जेट स्की राइड, बनाना, बम्पर, ये जो 5 बीच साइड के फेमस एक्टिविटी है यहाँ पे 2-3 ग्रुप करवाते हैं। ये साइड में देखोगे तो इस साइड में आपको पैरासीलिंग दिख रहा है, वहाँ पे एक वाटर स्पोर्ट्स का ग्रुप है, वहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी ओपन है। अभी का जो वाटर स्पोर्ट्स का प्राइस मैं अगर बताऊँ बीच साइड एक्टिविटीज़ का 1400 से 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा। ग्रुप में आ रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिलने का चांसेस है। बिल्कुल बुक करना है मुझे कॉल कीजिएगा, जैसे बार बार आपको बताता हूँ स्टेप टू ट्रैवल अभी गोवा टूरिज्म के साथ रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड कंपनी के साथ आप अपना एक्टिविटीज़, टूर पैकेज, होटल, साइट सीन सारे बुक कर सकते हो। नंबर आपको दिख रहा होगा, कॉल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी के दौरान आपका टूर प्लान कैसे होना चाहिए। बाकी स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स अभी बिल्कुल चालू है, ये मॉनसून तक, मई एंड तक चालू रहेगा। जब बंद होगा मैं बिल्कुल आपको अपडेट करूंगा। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इतने गर्मी में दूधसागर वाटरफॉल चालू रहेगा क्या। हाँ बिल्कुल चालू रहेगा, बिल्कुल जा सकते हो। वाटरफॉल में पानी का जो फ्लो है ये हालांकि कम हो जाता है, पर बिल्कुल आपको दूधसागर वाटरफॉल जाने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है दूधसागर वाटरफॉल का अभी का जो लेटेस्ट न्यू प्राइस जो है 1800 रुपया मिनिमम प्राइस है, उससे ज़्यादा भी आपको मिलेगा। अलग अलग प्लेस का अलग प्राइस रेंज होता है। और आप अगर देखोगे स्कूबा डाइविंग वाटर स्पोर्ट्स का अभी का जो प्राइस है, कॉल करोगे तो बेस्ट प्राइस रहेगा, पर नॉर्मल जो प्राइस चल रहा है 1800 से 2000 तक है। आप जाइए बीच साइड में जाके ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आपको ये प्राइस रेंज में मिलेगा। कॉल कीजिए, बेस्ट प्राइस आपको दे दूंगा, बहुत ही सस्ते में आपको पूरा कॉम्बो पैकेज मैं आपको करवा दूंगा। अभी के टाइम पे डिनर क्रूज, कैसिनो क्रूज दोनों ओपन है। नाइट लाइफ और नाइट मार्केट का आप अगर प्लान करते हो, मैं आपको बताता हूँ ये साइड में आ जाओ। ये साइड में जो एरिया दिख रहा है ना ये टीटोस लेन के एरिया है। आपको अगर नाइट लाइफ एक्सटेंड करना है, जैसे कि आप अगर शेक साइड में 10 बजे तक म्यूजिक के बाद आपको लॉन्ग टाइम के लिए पार्टी करना है, लेट नाइट के लिए पार्टी करना है, तो ये साइड से 200-300 मीटर दूर टीटोस लेन है। टीटोस लेन पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे पब्स, क्लब मिलेगा। उधर जाके आप अपना पार्टी, क्लबिंग वगैरह कर सकते हो। और जो ये प्लेस आपको दिखा रहे हो ना, ये प्लेस होली के दौरान काफ़ी फेमस होता है। हर एक जो शेक हो गया, जो रिजॉर्ट्स हो गया, उसमें होली इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। बॉलीवुड सिंगर यहाँ पे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, होली पार्टी चलता है। तो ये साइड में भी रहेगा, और टीटोस क्लब में होता है होली पार्टी, और अपना मेम्बोस में भी होता है। मैं जहाँ पर रुका हूँ ये साइड में कलंगुट 100 मीटर पर है, ये साइड में टीटोस लेन जो है 200 मीटर पर है।
और टीटोस क्लब में होली का मेन इवेंट होता है। आपको अगर डिटेल जानना है मार्च महीने में कौन से इवेंट्स है, मेरा ये वाला वीडियो चेक कीजिएगा, इसमें डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ, आपको उसके हिसाब से अपना प्लान करने में हेल्प करेगा। फिलहाल अभी सारी चीज़ें ओपन है, बाकी सैटरडे नाइट मार्केट आरपोरा में है, ये बिल्कुल आप सैटरडे के दौरान आप अगर गोवा में हो तो विजिट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया मार्केट बैठता है, फ्लेयर मार्केट बैठता है, आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो, फूड ड्रिंक्स म्यूजिक वगैरह एंजॉय कर सकते हो। सैटरडे के दिन याद रखना है, ठीक है, ये अभी का स्टेटस है। बाकी गोवा में वेदर कंडीशन का बताए तो सुबह के टाइम पे 10-11 बजे तक क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, और उसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे तक, जैसे कि अभी जो टाइम हो रहा है 5:30 हो रहा है, ये टाइम पे बीच साइड में आके एक्टिविटीज़ करना, ये साइड में जैसे कि आप लोगों को देख रहे हो एक्टिविटीज़ करो, पानी में जाना है जा सकते हो, नहाना है नहा सकते हो, ये बेस्ट टाइम होता है। 11 बजे से लेके 3 बजे तक गोवा में अभी बहुत ज़्यादा धूप होने लगा है, हालांकि अभी थोड़ा थोड़ा हवा है तो हवा चलता है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, पर हाँ धूप अभी काफ़ी स्टार्ट हो गया। ये जो धूप ऐसे सेम रहेगा मार्च अप्रैल में, ये 3 महीने गोवा में काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट हो रहा था कितना ज़्यादा गर्मी है बताओ करके, हमको प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप अगर धूप को एडजस्ट कर सकते हो तो बिल्कुल आप प्लान कर सकते हो, बाकी आपको अगर धूप से एलर्जी है आना नहीं है तो फिर आपको अगले सीज़न के लिए प्लान करना पड़ेगा। सीज़न के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे जून मई एंड तक यहाँ पे सीज़न रहेगा, और उसके बाद आपका जो सीज़न ऑफ हो जाता है जून से लेके सितंबर तक जो गोवा के ऑफ सीज़न रहता है, इस दौरान बहुत हैवी बारिश रहता है। ये सारे जो शेक आपको दिखता है, ये कोई भी शेक आपको जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने ये शेक नहीं मिलता है, फिर सितंबर अक्टूबर से ये शेक स्टार्ट होता है। तो ऐसे आपको प्लान करना पड़ेगा, आप अगर मई तक आ सकते हैं तो आ सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट सितंबर अक्टूबर से प्लान करना है। टूर पैकेज चाहिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको टूर पैकेज चाहिए, एक्टिविटीज़ का पैकेज चाहिए, क्रूज चाहिए या फिर होटल स्टे चाहिए, साइट सीन के लिए कैब चाहिए, बस टूर करना है, कोई भी एक्टिविटी पैकेज चाहिए ये नंबर पर कॉल कीजिएगा। स्टेप टू ट्रैवल आपको बुकिंग में हेल्प कर देगा, जेन्युइन गोवा के गोवा टूरिज्म के साथ रजिस्टर्ड कंपनी है, आप अपने साथ अपना गोवा टूर पैकेज बुक कर सकते हो, होटल स्टे के साथ कंप्लीट पैकेज भी हमारे पास आपको मिल जाएगा, कॉल कीजिएगा, बेस्ट पैकेज ले लीजिएगा। और लास्ट में आपको बता दूँ अभी का होटल का प्राइस क्या चल रहा है, बीच साइड में आप अगर ढूंढोगे जैसे कि बीच साइड से 100-200 मीटर पर होटल जो है अभी का 2000 से स्टार्टिंग प्राइस है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं अभी 1000-1500 में होटल मिल जाना चाहिए, हाँ 1000 में तो मिलना मुश्किल है क्योंकि गोवा थोड़ा होटल के मामले में थोड़ा महंगा है, 1000 रुपये में होटल मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिल भी जाता है तो इतना अच्छा आपको जो हाइजीन वगैरह इतना अच्छा नहीं मिलेगा, 1500 से 1800-2000 के रेंज में मिलेगा, थोड़ा बीच साइड से 500-1 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाएगा। आप अगर बीच साइड से 100-200 मीटर पर होटल ढूंढ रहे हो तो इस दौरान जो होटल का प्राइस है 2000 से लेके 3500-4000 तक का प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा, पर होटल का प्राइस है ना वीकेंड और हॉलीडे के सीज़न में होटल का प्राइस बढ़ेगा, मैं बार बार बताता हूँ। जैसे कि मार्च के महीने में यहाँ पे वीकेंड चलेगा बहुत सारे, 3 मेजर वीकेंड है, शिवरात्रि के वीकेंड आ रहा है, होली के दौरान एक लंबा वीकेंड है, उसके बाद गुड फ्राइडे को एक लंबा वीकेंड है, तो ये वीकेंड के दौरान आपका जो होटल प्राइस और जो रेंटल का प्राइस बढ़ जाता है, तो इसके हिसाब से आपको प्लान करना है। बाकी नॉर्मल डे पे 2000-2500 में भी आपको होटल स्टे मिल जाएगा। तो ये है अभी का करंट सिचुएशन अपडेट, लाइव आपको बताया, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, अच्छा लगा है लाइक शेयर, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो, और आप अगर पैकेज नहीं बुक करना चाहते हो, इंडिविजुअली ऐसे प्लान करके घूमना चाहते हो, PDF फाइल है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिएगा, हेल्प करेगा आपको प्लेस को सही तरीके से एक्सप्लोर करने में और डे बाय डे पूरा प्लान करने में, कौन से डे में कहाँ घूमें, कौन से एक्टिविटी करें, कहाँ पे कौन से एक्टिविटीज़ का चार्जेस क्या रहेगा, डे टू में हमारा प्लान कैसा रहेगा, ऐसे सारे PDF फाइल में है, जाके चेकआउट कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।